वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हम लोगों ने करी थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए बात करी थी जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बेसिकली हमें आज डिस्कस करना है जिसका नाम मैंने लिखा है वेव मैकेनिकल मॉडल। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ऐसा हुआ कि जो भी स्टार्टिंग में हम लोग मॉडल जब पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था, तो आपने देखा होगा कि इस मॉडल में बेसिकली अगर मॉडल की हम बात करें तो मॉडल में हम लोग कई तरह के मॉडल्स को डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट जो हमारा मॉडल था वो था बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे था। बोर मॉडल के भी ड्रॉबैक्स थे, स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिटिंग नहीं समझा पाए, क्यों इलेक्ट्रॉन एन एच अपान टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में घूमता है एच अपान टू पाई के साथ, ये नहीं बता पाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? स्पेक्ट्रल लाइन की फाइन स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी बोर मॉडल के भी, मतलब आप ये कह सकते हो कि बोर मॉडल भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिमिटेशन और भी हैं, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर मॉडल वैलिड है। तो इस तरह के जो रीजन्स थे उनको अगर हम कंसिडर करेंगे तो बोर मॉडल हमारा फेल होता हुआ नज़र आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ मूव की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को वेव्स की तरह से ट्रीट करना शुरू किया। तो वेव मैकेनिकल मॉडल में बेसिकली तीन मॉडल पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है लुइस डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल, दूसरा हमें पढ़ना है हाइजन बर्ग अन सर्टेनिटी, और तीसरा हमें पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं अरविन अरविन श्रोडिंगर। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेव मैकेनिकल मॉडल पे काम किया। पहला जो मॉडल दिया था वो डी ब्रोगली साहब ने दिया था, है ना? तो बेसिकली डी ब्रोगली से शुरुआत करेंगे, फिर हाइजेनबर्ग को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डेवलप कर दी थी। आज नाउ अ डे मैं बात करूँ तो श्रोडिंगर इक्वेशन को ही हम फॉलो करते हैं। क्या वो इक्वेशंस हैं उनको तो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल, जिसको हम DDP भी कह देते हैं, DDP इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे HUP, ये मेरे लिए मैं यूज कर रहा हूँ DDP, डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो है क्या बेसिकली मैं बताऊँ आपको, तो क्या था कि जो डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल की मैं बात करूं, तो डी ब्रोगली का नाम पूरा नाम था लुइस डी ब्रोगली। बस मैरिक ने क्या नाम था? लुइस डी ब्रोगली। और इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि लाइक लाइट इलेक्ट्रॉन कैन पोजेज डुअल कैरेक्टर वेव एज वेल एज पार्टिकल। क्या कहा? लाइट की तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी डुअल कैरेक्टर को पोज कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक तो वेग नेचर हो सकता है और दूसरा इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दो बातें बताई उन्होंने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर डुअल कैरेक्टर हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर हो सकता है। इन दोनों कैरेक्टर को जब इन्होंने डील किया तो इनका एक स्टेटमेंट की मैं बात करूं, कहा कि ये था अकॉर्डिंग टू
डी ब्रोगली, डुअल, प्रिंसिपल, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू इट्स मोमेंटम। ये बात आई, मतलब हम कह सकते हैं इफ लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यहाँ पे मोमेंटम था, पी क्या था, मोमेंटम था, या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। वेदर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था। देखोगे ध्यान से, एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। या हम इसको लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू भी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखोगे ध्यान से सभी लोग, ये कह सकते हैं। अब इसके प्रूफ की मैं बात करूं तो एक तो आइंस्टीन फॉर्मूला हम देखें तो वहाँ पे होता ई इजकल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, और एक होता ई इजकल टू एस सी अपान लेमडा, एक पार्टिकल नेचर पे होता है, एक वेव नेचर पे होता है, दोनों जगह से एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट करा सकते हैं। तो एम सी स्क्वायर इजकल टू एस सी अपान लेमडा, सी से सी कैंसिल, तो एम सी इजकल टू एच अपान लेमडा, मीन्स अगर यहाँ से लेमडा की बात करें तो एच अपान एम इंटू सी, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये लेमडा इजकल टू एच अपान एम इंटू भी, यही रूल था जो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर को यहाँ पे जोड़ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। आइंस्टीन फार्मूला ये है और ये प्लैंक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से जो एनर्जी निकली उन दोनों एनर्जी को हम इक्वेट करा सकते हैं और इक्वेट कराने पे डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल का एक रिजल्ट हमें मिल गया। सभी लोग इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट करोगे। चलें आगे पढ़े, बोलो। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेटा, नोट कर लिया सबने ना, तो हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे बोहर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो बेसिकली एम भी आर इजकल टू एन एच अपान टू पाई, ये बोहर्स ने कहा, और लेमडा इजकल टू एच अपान एम भी, ये इसने कहा, डी ब्रोगली ने कहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इन दोनों को अगर कंबाइंडली हम स्टडी करें तो देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर हम यहाँ से बात करें तो 2 पाई आर फ्रॉम इक्वेशन 2 पाई आर विल बी इक्वल टू एन एच अपान, क्या यहाँ से देखोगे
एम इन टू भी होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो। और 2 पाई आर विल बी इक्वल टू एन इन टू एच अपान पी भी लिख सकते हो, बिकॉज एम भी इजकल टू पी तो होता है, एम भी इजकल टू पी होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इजकल टू एन लैम्डा, क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा है। जहाँ एन होता है 1, 2, 3, 4 कोई इंटीजर इस तरह से हो सकता है। समझ में आ गया, बोलिए बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको फटाफट नोट करोगे। जहाँ पे एन होता है टोटल नंबर ऑफ वेव, क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ वेव मेड भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2πr इजकल टू एन लेमडा। इस रिजल्ट को भी याद रखोगे, इस रिजल्ट को भी याद रखोगे। समझ में आ गया, बोलिए फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट करते रहिए इसको। चलें आगे बढ़े, बोलो बेटा। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है सुनोगे सभी लोग ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3×10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करोगे आप बताइए। मैंने कहा कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना। आपको पता है लैम्डा इजकल टू, सॉल्यूशन अगर हम देखें तो लैम्डा इजकल टू होता है एच अपान पी, और पी होता है एम इंटू बी। तो लैम्डा इजकल टू एच 6.62×10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाई एम 9.1×10⁻¹ⁱ केजी, और भी कितना बेटा 3×10⁵। यहाँ से लैम्डा जो आएगा वो मीटर में आएगा, ध्यान से इसको देख लो, लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मास किस में होगा, मास होगा केजी में, और स्पीड किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा, इस बात को आप लोग समझ लोगे, क्लियर हुआ। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करिए, टाइम देते हैं हम आपको नोट करने के लिए, नोट करिए फटाफट। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट की मैं बात करूं। मैं कहूं क्वेश्चन मैंने दिया इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज एक्स जूल, देन कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ प्रोटॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं बताऊं ये क्वेश्चन नीट में, जेई में, पंतनगर में, कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब तुम यहाँ से देखोगे थोड़ा सा, मैं आपको समझा दूँ। हम लोग अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है m½ mv², ठीक है ना, बोलो बेटा।
सॉल्व करना हमने शुरू किया, सॉल्यूशन हमने शुरू किया। तो अब हम यहाँ से m और मल्टीप्लाई करते हैं, तो m काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी m से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? या हम यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर की बात करें तो 2m काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं, या हम एम वी की बात करें तो रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? तो यहाँ से लेमडा कितना होगा, h अपान m इंटू वी, या यही होगा h अपान रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम लोगों ने निकाला है, ये जो हमने निकाला है वैल्यू, समझोगे, ये लेमडा इजकल टू एच अपान एम भी इजकल टू एच अपान रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला होगा। क्लियर हो गया? देखोगे ध्यान से सभी लोग, ये फार्मूला होगा, सभी लोग नोट करोगे इसको। चले आगे बढ़े। चलो अब हम बात करेंगे, देखोगे तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधे लेमडा इज इक्वल टू एच अपान टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना, एक्स जूल। अब लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितना है भाई, एक्स दिया है तो ऐसे ही रखते हैं, या हम अब यहाँ पे इसको बदल भी सकते थे, यहाँ के लिए तो एक्सप्रेशन ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2 × 10³ जूल। बस सुन मेरी, किनारी 2 × 10³ जूल, बात सुन में आ रही? तो इसको कैसे करोगे, यहाँ से सीधे फार्मूला यूज करें, सॉल्यूशन देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा इजकल टू एच अपान टू रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी, h की वैल्यू 6.62 × 10⁻³⁴, रूट ओवर 2 × m की वैल्यू 9.1 × 10⁻³⁹ इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना 2 × 10³। यहाँ से लेमडा आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्व करोगे तुम्हें लेमडा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो बेटा, ये समझ में आ गया? चले आगे बढ़े। चलो अब हम कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। क्या है वो बातें, बातों की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और मैंने दिया कि इफ अ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ पोटेंशियल भी, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है ई और इसका चार्ज है ई, मान लो क्यू, मान लो कुछ भी मान लो, क्या माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ क्यू मान लिया, ठीक है ना, ई मान लो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी हम फटाफट क्या करेंगे,
अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्यू इंटू वी होगा कि नहीं होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो लेमडा कितना होगा, रूट एच अपान रूट ओवर टू एम क्यू इंटू वी होगा कि नहीं होगा, बोलो समझ में आ गया। एक बार मैं आपको बताऊं, इसी क्वेश्चन को जेई में पूछा गया है। जेई में पूछा गया था क्या, जेई में पूछा गया था एच अपान लेमडा पूछा गया था। तो आप यहां से देखोगे एच अपान लेमडा कितना होगा, रूट ओवर टू एम क्यू इंटू वी, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया 2016 में पूछा गया है जेई मेंस में। ये किस में पूछा गया है, जेई मेंस में पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट इसको नोट करिए, नोट करिए सभी लोग। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, पहले इसको नोट कर लोगे सभी लोग, नोट करिए कलिया नोट। चलो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगली ड्यूअल प्रिंसिपल। लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोगली ड्यूअल प्रिंसिपल, देखो भाई डी ब्रोगली ड्यूअल प्रिंसिपल है ना, जैसे हमारे पास एक कार है या हमारे पास एक ट्रक है, या हम बॉडी अपनी बात कर लें, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, क्या इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ डेवलप नहीं होता, बोलो। मैं पूछूं कि क्या इनमें डी ब्रोग इनमें वेवलेंथ नहीं मेड होता। भाई एक कार है, कार एक 10 क्विंटल की होती है या एक टन की होती है, एक ट्रक होता है वो कम से कम 10 टन का होता है, एक इंसान की बात करें तो कम से कम 70 किलो होता है। तो अब ऐसे समझोगे, ड्रॉबैक समझा रहा हूँ थोड़ा समझोगे, एक कार था, ये कार है, ये ट्रक है, तो पहिया इसमें ज़्यादा होगा भाई, एक इंसान है तो इंसान में पैर होगा, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंसान है, आप लोग हैं, ये आपकी आँख है, ये नाक वगैरह बना दिया हमने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप डोरेमोन की तरह से। देखोगे थोड़ा सा ध्यान से समझोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम लेमडा की बात करें तो एच आर पान एम इंटू भी होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। अब हम लोग मास बढ़ा दें, बस नारी कि नारी, तो मास जितना बड़ा होगा तो लेमडा तो क्या होगा, स्मॉल होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली है क्या कि कोई बड़ा है जो कि मैक्रोस्कोपिक है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज करता हूँ मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रोगली ड्यूअल प्रिंसिपल है वो सिग्निफिकेंटली वैलिड है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेडॉन कुछ भी ले लो इस तरह के जो माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे हैं, तो उनके मासेस बहुत कम होते हैं ना, इसलिए उनकी लेमडा क्या होती है, हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ट्रकों में भी तो वेवलेंथ होता होगा, लेकिन वो इतने बड़े साइज का होता है कि हमें पता नहीं चलता है, बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसके लिमिटेशन में यही लिखोगे, लिख लो मैं बोल रहा हूँ, डी ब्रोगली ड्यूअल प्रिंसिपल सिग्निफिकेंटली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह बॉडी लिख लो, बॉडी लाइक कार स्कूटर पेन पेंसिल, ठीक है। इट इज़ वैलिड फॉर आगे लिखोगे इसी में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है, इसको नोट करिए फटाफट, तुरंत नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं डी ब्रोगली ड्यूअल प्रिंसिपल पे, ठीक है ना,
लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकली कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग लगाए थे। आज जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं सभी कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूँ, बस में आ रही नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, ठीक है ना, वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। और देर आर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1:4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखोगे द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन पूछा गया है, इफ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें मालूम है अगर हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करें, देखोगे ध्यान से सब लोग बेटा, तो पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी रूट ओवर में। तो यहाँ से अगर लेमडा द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, लेमडा अल्फा की मैं बात करूँ तो ये क्या होगा एच अपॉन रूट ओवर 2m, अल्फा पार्टिकल m कितना होता है 4 amu होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन टू क्या रखोगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम यहाँ से अगर बात करें तो लेमडा या यहाँ पे तुम ऐसा करो 4 ही ले लो, यहाँ पे अगर हम देखें लेमडा प्रोटॉन की बात करें तो एच अपान लिखोगे 2 इंटू यहाँ पे 1 amu होता है इंटू काइनेटिक एनर्जी किसका बेटा अल्फा प्रोटॉन, यहाँ पे क्या होगा अल्फा पार्टिकल, क्लियर हुआ, बोल दो, देख लो ध्यान से, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोनों पे डिवाइड करें तो लेमडा अल्फा अपान लेमडा पी विल बी इक्वल टू एच कैंसिल हो गया, बोलो काइनेटिक एनर्जी ऊपर चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, ठीक है ना, रूट में कर लेते हैं इंटू 2 × 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 2 × 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी किसका बेटा अल्फा पार्टिकल का, ठीक है ना, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल, क्लियर हो गया, ये कितना है प्रोटॉन का है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 हो गया काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और काइनेटिक, यहाँ से तुम आ जाए ये देखोगे ये क्या होगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेमडा अल्फा अपान लेमडा पी कितना हो गया, इस तरह से हम रूट में ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन अपान काइनेटिक एनर्जी क्या अल्फा इंटू कितना होगा, यहाँ से रूट तो बाहर आ गया 2 हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसकी आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, 1:4 दिया है ना, बोलो क्या दिया है द वेवलेंथ ऑफ अल्फा, यानी कि यहाँ से एक काम हम और कर सकते हैं, क्या है वो काम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाई लेमडा पी विल बी इक्वल टू 1/4 और इसको इक्वेट करा सकते हैं क्या किससे बेटा, देखोगे काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, बोलो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन है ना अपान काइनेटिक एनर्जी अल्फा, क्लियर हुआ, इनटू यहाँ पे क्या होगा 2, समझ में आ गया, फटाफट इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख के बताइए तुरंत, चले आगे बढ़े, बोलिए कर लोगे यहाँ से, बोलो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या होगा मैं सॉल्व कर दूँ क्या, या आप कर लोगे 2 इधर आएगा 1/8 हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे, बस सुन मैं नहीं आ रही, बोल दो फटाफट, ठीक है चले आगे बढ़े, चल बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं,
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखोगे ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से भी एक बार देख सकते हो। अकार ऑफ मास, स्कार का मास नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। अकार ऑफ मास, जस्ट एक मिनट, मैं इसका मास भी बता देता हूँ आपको। 2000 केजी है बेटा, ये दिया है तो अकार ऑफ मास अकार इज मूविंग, ऐसा लिखो, अकार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इफ द मास ऑफ कार इज 2000 केजी देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ कार। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई माइक्रोस्कोपिक अगर बॉडी है तो ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी भी वेव्स को क्रिएट करता है, बट वेवलेंथ अभी हम यहाँ से दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम लेमडा की बात करें तो एच अपान एम इंटू वी होता है कि नहीं होता है, बट वी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में होता है और मास यहाँ से केजी में होता है। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर हेयर, स्पीड आपको दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही तेज स्पीड से जा रहा होगा, अच्छी गाड़ी होगी उसके पास। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 इंटू 5/18 कर देते हैं भाई। 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे सभी लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए क्लियर हो रहा है। ये कितना होगा, यहाँ से होगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब लैम्डा कितना होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 2000, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50 होगा कि नहीं होगा, बोल बेटा। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे, चलिए फटाफट। बोलो बेटा, हो गया, यहाँ से लेमडा आ गया, लेमडा किस में आएगा, मीटर में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चले आगे बढ़े, बोलो। बहुत छोटी वेवलेंथ आ रही है ना, वेवलेंथ छोटा होने का मतलब ही है कि हम यहाँ पे इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप याद रखोगे, वेवलेंथ छोटी होने का मतलब है कि वो वेव्स हमें पता नहीं चलेगा, वेवलेंथ बड़ा होने की वजह से हमें वेव्स फील होते हैं। इसलिए बड़ी जितने भी बड़े ट्रक हैं, ट्रेन है, कार है, स्कूटर है, तो इनमें डी ब्रोगली ड्यूल प्रिंसिपल सिग्निफिकेंटली वैलिड होता है, यहाँ से प्रूफ होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है, एम्स 2016 या 17 में ही पूछा गया इस क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को बता दूं कि कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग 3 times फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। इफ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है ना, इफ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज इतना, देन कौन सा पार्टिकल होगा। सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं कि अगर मैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वी ई ले लेते हैं, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, आसान है, 3 times वी ई होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि इनका वेवलेंथ आपको दिया है बेटा, क्या वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ कैसे निकालोगे। देयर एट द पार्टिकल इज मूविंग 3 times फास्टर देन द स्पीड ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। इफ रेशियो ऑफ वेवलेंथ, रेशियो ऑफ वेवलेंथ आपको दिया है कितना, 1.8 × 10⁻⁴। तो आपसे पूछ रहा है तो पार्टिकल क्या होगा, तो मास का रेशियो निकाल लेते हैं। ऐसे देखोगे लेमडा, वन लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी, या इसको एम इंटू वी कर लेते हैं। अब लेमडा अगर पार्टिकल की मैं बात करूं तो क्या होगा, बोलो लेमडा पार्टिकल क्या होगा, एच अपान मास ऑफ पार्टिकल इंटू क्या बेटा, बोलो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
जो कि 3BE होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लेमडा अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो H अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है,